मैं प्रोफेसर रेणु कुमारी, विभागाध्यक्ष इतिहास, जमुनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर के TDC पार्ट 3 के विद्यार्थियों से आज राजा राम मोहन राय के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर, सती प्रथा के विरोधी और जन जागरण के प्रणेता थे। उनके क्रांतिकारी विचारों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा प्रदान करने का कार्य किया। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय एवं माता का नाम तारिणी देवी था। प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्हें बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वैष्णव भक्त परिवार से होने के बावजूद उनकी आस्था अन्य धर्मों में भी थी। वेद एवं उपनिषदों में प्रतिपादित एक ईश्वरवाद में आस्था रखने वाले राजा जी ने इस्लाम धर्म का भी गहन अध्ययन किया था। मूर्ति पूजा में उनकी कोई आस्था नहीं थी। 1802 में उन्होंने एक ईश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में टुफरबुल मुवादिन नामक पुस्तक की रचना की। 1816 में उनकी पुस्तक वेदांत सार का प्रकाशन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना की। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। 40 वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़कर कलकत्ता में रहकर समाज सेवा कार्य में लग गए। इस दिशा में अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह का विरोध और जाति प्रथा का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह और पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हक दिलवाने की दिशा में कार्य किया। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने सन 1814 में आत्मीय सभा बनाई, जिसका उद्देश्य ईश्वर एक है का प्रचार करना था। मध्ययुगीन दलदल में फंसे इस देश में उन्होंने वो जान फूंकी, जिससे भारतीय चिंतन था जीवन की धारा ही बदल गई। अपनी प्रचार प्रतिभा और मानव सेवा की अपूर्ण भावना के साथ तथा विवेकपूर्ण और विश्वजनीय दृष्टि से राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार दोनों को एक साथ लाने में सफल हुए। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ईश्वर को निराकार मानता है। सदाचार, दया भाव, निर्भयता और प्रेम की शिक्षा देना ब्रह्म समाज का उद्देश्य है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर ने ब्रह्म समाज के विषय में कहा था कि यदि भारत में कभी भी कोई नया धर्म होगा तो मुझे विश्वास है कि वह अपने जीवन संचार के लिए राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन की विशाल हृदय का ऋणी रहेगा। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा की समाप्ति। इस कुप्रथा को उन्होंने निरंतर आंदोलन चलाकर समाप्त किया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय तो उनका जीवन ही संकट में पड़ गया था। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं विचलित हुए। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रिवी काउंसिल ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया। सती प्रथा के मिटने से राजा राम मोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों की
सर्वप्रथम कतार में आ गए। राजा राम मोहन राय को व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, समानता तथा न्याय में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने राजनीतिक मूल्यों का कभी भी परित्याग नहीं किया। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश देने वाले राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय एक पत्रकार, संपादक तथा लेखक थे। प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत का वे समर्थन करते थे। 1823 में द्वारकानाथ ठाकुर, सज्जन बोस, गौरी शंकर बनर्जी तथा चंद्र कुमार आदि के साथ मिलकर हाई कोर्ट के सामने एक याचिका प्रस्तुत करके उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी। राजा राम मोहन राय की शिक्षा और विज्ञान में गहरी आस्था थी। शिक्षा संबंधी विचार रचनात्मक थे। 1816 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। यह पहला अंग्रेजी स्कूल था जिसका व्यय पूर्णतः भारतीयों द्वारा वहन किया जाता था। उनके प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने अपने मस्तिष्क पर पूर्वाग्रहों को कभी भी हावी होने नहीं दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा भारत के लिए लाभदायक है। उन्होंने वेदों तथा उपनिषदों का बंगाली तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ईसाई स्कूल में बाइबल पढ़ाने से जाति भ्रष्ट होने का डर रहता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उन्होंने शिक्षा, धर्म, राजनीति और समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों से तत्कालीन भारत को नई दिशा मिली। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से भारतीयों को जहाँ एक ओर आधुनिक राष्ट्र के लोकतांत्रिक विचारों का ज्ञान हुआ, वहीं भारतीय नारियों को सामाजिक एवं धार्मिक प्रवाग्रहों से मुक्त करने के लिए तत्कालीन चिंतकों ने प्रयास तेज कर दिया। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के पैगंबर और आधुनिक भारत के जनक थे। धन्यवाद।